कैसे हैं आप? तो आज के इस वीडियो में मैं ट्राई करने वाला हूँ सारा अली खान की एक बहुत ही पॉपुलर पास्ता रेसिपी। सो ये है एक लो कार्ब कीटो पास्ता फॉर फैट लॉस। अभी अगर आप पास्ता कभी बनाते हो तो पास्ता जो भी होता है, कोई भी आप लो, पेने, फ्यूसली, मैकरोनी, कोई भी आप पास्ता लो, वो बेसिकली मैदा या गेहूं के आटे का होता है। सो उसमें कार्ब्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सो यहाँ पे कीटो पास्ता बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं जुकीनी। सो बेसिकली जुकीनी को यहाँ पे लिया है, उसको प्रॉपरली वॉश करना है। एंड जो पीलर एक आता है वो आपको मार्केट से ये इजीली मिल जाएगा, इससे आप बहुत ही इजीली नूडल्स बना सकते हैं या आप इसे बहुत ही थिन स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं, दोनों भी चलेगा। सो ये यूज़ करने वाले हम एज अ पास्ता। सो लेट्स सी सारा अली खान की जो पास्ता रेसिपी है वो कैसे बनती है, एंड एंड में मैं आपको मैक्रोज भी बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इस रेसिपी में चीज़ यूज़ हुआ है, क्रीम यूज़ हुआ है, तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से एक फ़ैट लॉस रेसिपी है या कहाँ से एक ये हेल्दी रेसिपी है। सो कीटो में बेसिकली फैट्स की क्वांटिटी हमें ज़्यादा लेनी होती है, तो यूजुअली क्रीम या ऑयल ज़्यादा ऐड करते हैं। बस यहाँ पे कार्ब्स को काफ़ी कम रखना होता है। तो कार्ब्स, नेट कार्ब्स अगर आप देखें, अगर फाइबर को माइनस करते हैं कार्ब्स में से, सो नेट कार्ब्स इज़ अराउंड 10 ग्राम। सो कार्ब्स काफ़ी कम है एंड फैट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। टेस्ट वाइज मुझे रेसिपी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। एंड अगर आपको नहीं पता है कि ये कीटो रेसिपी है या इसमें रेगुलर पास्ता नहीं यूज़ हुआ है तो आपको शायद पता भी ना चले। रेटिंग अगर मैं इसे दूँ तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग 9.5 out of 10। इसके टोटल मैक्रोज हैं 34 grams ऑफ प्रोटीन, 30 grams ऑफ फैट, 16 grams ऑफ कार्ब्स, 6 grams ऑफ फाइबर, टोटल 473 calories। ऐसे ही अगर आपका मेन गोल है वेट लॉस या फैट लॉस, तो एक सप्लीमेंट है जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है, एंड दैट इज़ एल-कार्निटाइन। ये बेसिकली जो आपका स्टोर्ड फैट है उसे मेटाबोलाइज करता है एंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो अगर आप जिम से पहले इसे लेते हैं तो आपको वर्कआउट के टाइम पर ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है एंड जो आपका स्टोर्ड फैट है वो यूज़ होता है। सो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसकी एक सर्विंग में है टोटल 1100 mg एल-कार्निटाइन। एंड मसल ब्लेस का जो एल-कार्निटाइन है ये लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में जो एल-कार्निटाइन होता है वो जल्दी अब्जॉर्ब होता है एंड आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है। सो अगर आपको कोई भी गोल हो, वेट लॉस, फैट लॉस, या अगर आपको रिप्ड फिजिक अचीव करनी हो, तो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से ले सकते हैं। एंड यू कैन यूज़ माई कोड Shoaib30 फॉर एडिशनल डिस्काउंट। तो सारा अली खान वाली जो रेसिपी थी वो डेफिनेटली काफ़ी टेस्टी थी, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रीम है। एंड अगर आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट है, क्योंकि इसमें फैट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, कार्ब्स काफ़ी कम है। बट अगर आप एक रेगुलर हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा फैट्स की ज़रूरत नहीं है। एक मील में 30 grams के अराउंड फैट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सो यहाँ पे मैं एक रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको सेम ऐसे ही जुकीनी नूडल्स या जुकीनी पास्ता बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। एंड ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है, आप ऑलमोस्ट रोज़ भी खा सकते हैं एंड इसमें अराउंड 300 calories से भी कम है। सो लेट्स चेक आउट द रेसिपी। तो ये मेरी एक रेसिपी है जो सेम मैंने जुकीनी नूडल्स के साथ ट्राई किया था एंड इसका एंड रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी टेस्टी ये बना था। ऑलमोस्ट जो भी क्वांटिटीज़ है वो मैंने इसमें सेम ही रखी है। यहाँ पे बटर थोड़ा कम यूज़ हुआ है एंड यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स ऐड किया है अराउंड 100 grams। वेजिटेबल्स जो भी आपके पास हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें ब्रोकली भी अगर आपको ऐड करना है तो वो कर सकते हैं, मशरूम्स इसमें काफ़ी अच्छा लगता है।
सो इसके टोटल मैक्रोज हैं 32 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 8 ग्राम्स ऑफ फैट, 24 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 11 ग्राम्स ऑफ फाइबर, टोटल 292 कैलोरीज। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो एंड दोनों में से कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा अच्छी लगी एंड कौन सी रेसिपी आप जरूर ट्राई करेंगे वो आप जरूर नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।